वेलकम बैक टू नॉलेज वर्ल्ड। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी लेकिन सब फेक हैं। आज की वीडियो आप पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह ये ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम गेट लाइक्स पिक बूम है। आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है जो कि बिल्कुल फ्री है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट इसको ओपन करना है। मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। इसका लोगो कुछ इस तरह से आपको देख लेना है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि इस पर करना क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास 9 कॉइन्स इकट्ठे हुए हैं। तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स वगैरह खेल के आप कॉइन्स इकट्ठे कर सकते हैं। गेम्स कैसे खेलनी है, आप फ्री कॉइन्स या प्लस 1000 कॉइन्स पे आप क्लिक करेंगे, जिस पर मर्जी क्लिक कर लें। मैं फ्री कॉइन्स पर क्लिक करता हूँ और फ्री कॉइन्स पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि 42, 624 ये मुख्तलिफ आपको गेम्स कम्प्लीट करने पर आपको रिवार्ड दिए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि 44,000, 33,000। तो ये मैंने अभी डाउनलोड की है। तो मैंने कहा कि अपने सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के, बता दूं कि उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स किस तरह से बढ़ सकते हैं। तो अगर आप के कॉइंस 2000 या 3000 जितने भी हो जाते हैं, उसके बाद आपको फॉलोअर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉलोअर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाता है कि अगर आपके पास 200 कॉइंस होंगे तो आप 10 फॉलोअर्स ले सकते हैं, 400 पे 20 ले सकते हैं। इस तरह से आप एक दिन में 10,000 से 20,000 तक फॉलोअर्स को गेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह से बिल्कुल सच पर मैंने वीडियो बनाई है। तो आप हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को बढ़ा सकें। काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि टेक्नोलॉजी दुनिया की हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। फ़ी अमानिल्लाह।